आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारी किरतपुर का ये पत्र है जो कि थानाध्यक्ष कोतवाली थाना किरतपुर के लिए दिया गया है। क्या हम डेट की बात कर ले तो 3/10/2022 यानी कल के डेट में ये पत्र जारी किया गया है और इस पत्र का विषय है FIR दर्ज कराने के संबंध में। तो जी हां दोस्तों, हम यहां पे आपको बता दें कि विभिन्न शिक्षकों की ड्यूटी जो है वो BLO के रूप में लगाई गई थी और ऐसे में आदेशित किया गया था कि 20/9/2022 तक अपनी ड्यूटी लेटर को रिसीव कर लें और यहां पे इन अध्यापकों ने रिसीव नहीं किया है और इसी संदर्भ में यहां नीचे बताया जा रहा है आज दिनांक तक भी ड्यूटी अपनी प्राप्त नहीं की गई है। ऐसे में निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य बाधा उत्पन्न हो रही है ऐसा कहना है और उप जिलाधिकारी महोदय ने ड्यूटी प्राप्त न करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध यहां पे संबंधित थाने में FIR करने के हेतु निर्देश दिए गए हैं। ड्यूटी प्राप्त न करने वाले कर्मचारियों की सूची यहां पे दी गई है और नीचे की तरफ बताया जा रहा है कि अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध निर्धारित धाराओं के अंतर्गत FIR दर्ज करने का कष्ट करें। महोदय चरण सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र किरतपुर। तो दोस्तों इस प्रकार से निश्चित रूप से आपकी भी ड्यूटी यदि BLO में है तो आप अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ज्वाइन कर लें क्योंकि इस तरह की समस्याएं आपके सामने भी आ सकती हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों इसके पूर्व के वीडियो में हमने महंगाई भत्ता अर्थात DA के संदर्भ में केंद्रीय कर्मचारियों के 4% बढ़े हुए DA का जिक्र किया था और ऐसे में इस संदर्भ में कल के डेट यानी कि 3/10/2022 को ये आदेश जारी हो चुका है। अब केंद्रीय कर्मचारियों का जो DA है, महंगाई भत्ता है, वो 34% से बढ़कर 38% पहुंच जाएगा और इस तरह से उन्हें अक्टूबर माह की सैलरी के साथ मिल जाएगा। ऐसे में यहां 1 जुलाई 2022 से ये देय है तो जुलाई, अगस्त और सितंबर का इनको एरियर दिया जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से राज्य कर्मचारियों को भी 4% बढ़ा हुआ DA मिलना है। कब घोषणा करती है गवर्नमेंट, इसके लिए हमको इंतजार करना होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं प्रतिकर अवकाश निरस्त किए जाने से शिक्षकों में आक्रोश। मैनपुरी से दोस्तों खबर है और ये काफी निराशाजनक खबर है क्योंकि यहाँ पे प्रतिकर अवकाश देने के लिए विभिन्न जनपदों से लगातार आदेश जारी हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे मैनपुरी में आदेश रद्द क्यों किया गया है, आइए सबसे पहले इस समाचार को देख लेते हैं। जिला प्रशिक्षण अधिकारी दीपिका गुप्ता की ओर से प्रतिकर अवकाश निरस्त किए जाने से शिक्षकों में आक्रोश बढ़ गया है। नाराज शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ जागीर सुल्तानगंज तथा बेवर ब्लॉक इकाई की अगुवाई में उप जिलाधिकारी भोगाव अंजलि सिंह से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर अपने विरोध को अवगत कराया। सुल्तानगंज ब्लॉक अध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह चौहान ने कहा है कि यदि शिक्षकों को अवकाश के दिनों में कार्य करने पर शासनादेश के अनुरूप प्रतिकर अवकाश नहीं दिया जाएगा तो वह अवकाश के दिनों में कार्य नहीं करेंगे। जागीर ब्लॉक अध्यक्ष योगेश कुमार सिंह ने कहा है कि BLO एवं पदाभिहित पूरी ईमानदारी के साथ रविवार में बूथों पर बैठकर काम कर रहे हैं, लेकिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतिकर अवकाश को निरस्त कर शासनादेश एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना कर रही है। तो दोस्तों यहाँ कहीं न कहीं ये सवाल का विषय है कि इन्होंने आदेश प्रतिकर अवकाश का क्यों रद्द किया है, क्योंकि प्रदेश स्तर पर भी ये आदेश जारी हो चुका है कि जिलों में जो भी BLO की ड्यूटी या अन्य कार्य कर रहे हैं उन शिक्षकों को प्रतिकर अवकाश दिया जाए, फिर भी यहां आदेश निरस्त किया जा रहा है। एक आदेश हाल ही में एक जनपद में और हुआ है जहां पे आदेश दिया गया है कि शिक्षकों को प्रतिकर अवकाश दे हो। ऐसे में आइए अगला समाचार वही देखते हैं कि इस जनपद में क्या आदेश किया गया है। दोस्तों यहां अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं प्रतिकर अवकाश के संदर्भ में ही आदेश जारी हुआ है जो कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद देवरिया का है और डेट आप देख सकते हैं 3/10/2022 यानी कल के डेट में ही ये आदेश जारी हुआ है। और यहां पे दोस्तों हम आपको बता दें कि कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश का जो आदेश था 15/9/2022 को ये आदेश जारी हुआ था जो कि हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था। अभी इस आदेश को हम आपके सामने भी रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे। हर जनपद के लिए आदेश जारी हुआ है कि प्रतिकर अवकाश शिक्षकों को वहां पे दिया जाए, लेकिन फिलहाल अगर ऐसा नहीं दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से इस पत्र 15/9/2022 का आप संदर्भ ग्रहण करें और इस पत्र को दिखाकर निश्चित रूप से प्रतिकर अवकाश आप ले लें। यहां पे जनपद देवरिया में आदेश जारी हो चुका है और यहां पे शिक्षक प्रतिकर अवकाश से लाभान्वित हो सकेंगे। आइए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं अब 15/9/2022 का जो निर्वाचन आयोग का जो आदेश है उस आदेश को दिखाते हैं और उस आदेश के आलोक में निश्चित रूप से आप भी अपने जनपद में डिमांड कर सकते हैं कि आपको प्रतिकर अवकाश दिया जाए। दोस्तों आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश का ये लेटर है जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। निश्चित रूप से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास सुरक्षित रख लें। यदि आपके जनपद में प्रतिकर अवकाश दिए नहीं है तो इस लेटर का संदर्भ देके, इस लेटर को दिखा के आप अपने प्रतिकर अवकाश की डिमांड कर सकते हैं। यदि हम इसको जूम करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये आदेश जो है ये 15/7/2022 का है और ये आदेश समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। यहाँ पे विषय में आप देख सकते हैं अवकाश के दिनों में BLO पदाभिहित अधिकारी के बारे में। तो यहाँ पे हम आपको बता दें यूटा के अध्यक्ष जो श्री राजेंद्र सिंह राठौर है, इन्होंने डिमांड की थी कि जो शिक्षक छुट्टी के दिनों में BLO या पदाभिहित का कार्य करते हैं या फिर किसी भी छुट्टी के अवकाश के दिनों में अपने उच्च अधिकारियों द्वारा कार्य कराया जाता है तो उसके बदले में प्रतिकर अवकाश दिया जाए और इस संदर्भ में यहाँ आदेश जारी हो चुका है कि नियमानुसार इस पर कार्यवाही की जाए।
तो हमने आपको बताया था कि 23 अगस्त 1973 का जो शासनादेश है उसी के संदर्भ में, जो कि प्रतिकर अवकाश के संदर्भ में है, उसी संदर्भ में ये भी आदेश दिया गया है। और यहाँ पे विभिन्न जनपदों में अलग अलग आदेश जारी हो चुके हैं, जैसा कि अभी आपने कल के ही आदेश में देवरिया जनपद को देखा है कि आदेश हो चुका है। तो दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि प्रतिकर अवकाश क्या है और प्रतिकर अवकाश किस प्रकार से लिया जाता है, इसके फॉर्मेट क्या है, तो सारी चीजें ऊपर साइड में राइट कर्नर में जो वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप देख लीजिए, सारी जानकारी आपको प्रतिकर अवकाश से संबंधित मिल जाने वाली है। तो दोस्तों, ये रहा अब तक के मुख्य समाचार। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।